गाइस एक सैड न्यूज़ है आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि जो मेरी पिछली सर्वाइवल की वर्ल्ड थी ना वो डिलीट हो चुकी है। अभी आप लोग मुझसे ये मत पूछना कि वो कैसे डिलीट हुई, क्या हुआ, बस वो डिलीट हो गई। और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि मैं इतने दिन से सर्वाइवल खेल ही नहीं रहा हूँ, तो यही था वो रीज़न। उसके बाद है ना मैं एकदम सैड हो गया था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था सर्वाइवल खेलने का। उसके बाद मुझे पता चला कि 1.17 वाला जो अपडेट है ना वो काफ़ी जल्द आने वाला है। फिर मैंने सोचा कि हम लोग वेट करेंगे और नया वर्ल्ड चालू करेंगे 1.17 में। ओके, मैंने अभी वर्ल्ड काम रख दिया और देखो चीट्स ऑफ है। चलो क्रिएट करते हैं नई वर्ल्ड हमारी। गाइस अभी ना मैं आपको ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, अभी ना मैं फटाफट से टूल्स बना लेता हूँ और उसके बाद हम लोग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। गाइस इसमें ना गोड भी आई है तो हम उसे भी ढूंढेंगे। मुझे ना फॉरेस्ट एरिया बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे ओपन एरिया पसंद है। ओके मुझे शीप मिल चुकी है, यस। एक मिनट, ओ भाई मुझे इतनी खतरनाक माइंड मिली है। गाइस ये देखो आयरन का टेक्सचर भी चेंज हो चुका है। एक काम करता हूँ मैं इधर से जाता हूँ। गाइस ये देखो वो नया ब्लॉक आया है, ये ना वाइंस की तरह ही है। यार अगर मैं इधर से गिर गया तो बहुत गंदा हट है मेरा, हट। वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है गाइस, वो जो केव थी ना वो हमारे बहुत बाजू में ही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, महाराष्ट्र और कोई भी स्टेट का हो, यहाँ तक कि स्टैंडर्ड 6 से 12 IIT, JEE, नीट का सवाल, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे बस 5 सेकंड के अंदर डाउटनेट ऐप पर। उसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें। ओके तो ये जो नया ब्लॉक आया है ना इसका नाम कुछ ग्लोइंग लिखें, अरे मिला ही नहीं मुझे। ओ गाइस मुझे आयन ओर की जगह रॉ आयन मिल रही है, ये देखो। और मुझे विच की भी आवाज़ आ रही है, अरे ज़ॉम्बीज आ गए यार। हाँ आजा आजा लड़ने आजा मुझे, आजा तू मरने वाला है तो क्यों मेरे से लड़ने आ रहा है फालतू में। गाइस पहले क्या होता था कि अगर हम लोग को आयन ओर को तोड़ते थे तो हमें आयन ओर मिलती थी, और अगर हम उसको फर्नेस में डालते थे तो हमें आयन इंगट मिलता था। अभी क्या होगा, अगर हम कोई आयन ओर को तोड़ेंगे ना उससे हम लोग को रॉ आयन मिलेगा, और उसको अगर हम लोग फर्नेस में डालेंगे तो हमें नॉर्मल आयन इंगट मिलेगा। गाइस मतलब इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, हमें जो पहले मिलता था आयन ओर अभी खाली हमें रॉ आयन मिलेगा। चलो अभी मैं इसको फटाफट से तोड़ लेता हूँ। अरे हाँ मुझे आयन का आर्मर भी बनाना है ना, मैं ट्राई करूँगा कि मैं इस एपिसोड में बना दूँ। ये देखो गाइस गोल्ड का टेक्सचर एकदम अलग हो गया। इसमें ना और भी एक नया ओर है जिसका नाम है कॉपर ओर, और ये जो नॉर्मल ओर है ना जैसे अपना कोल हो गया और आयन हो गया, ऐसे में एक डीप स्लेट कोल ओर मिलेगा और ऐसे एक डीप स्लेट आयन ओर मिलेगा। गाइस अभी ना मैं फटाफट से ना बेड बना लेता हूँ क्योंकि मैं भूल गया था बेड बनाने का। A few moments late. अभी ना मैं इस रॉ आयन को रख देता हूँ। एक ये में इतने सारे आयन मिले ना कि मैं ना आर्मर के साथ सारे टूल्स बना सकता हूँ। गाइस अभी ना हमारा पूरा आयन का आर्मर बन चुका है। गाइस मुझे ना इस अपडेट में खाली एक ही बात अच्छी नहीं लगी कि ये ना पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमें ना पार्ट 2 का भी वेट भी करना पड़ेगा यार। ये देखो गाइस इतने सारे ज़ॉम्बीज आ गए इधर। गाइस आपको पता है मैंने क्या किया, क्रीपर है ना फटने वाला था और मैंने आप एक ब्लॉक लगा दिया जिससे मेरे को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पड़ा। आप भी ये चीज अपने वर्ल्ड में कर सकते हो, क्रीपर से डर लगता है मेरे जैसा। A few minutes late. Guys, मुझे स्क्विड्स को देख के याद आया कि इसमें ना एक नया वाला मॉब ऐड हुआ है जो कि है ग्लोइंग स्क्विड, जिससे हमें ना ग्लोइंग इंसेक्ट मिलती है और उससे हम लोग ग्लोइंग आइटम फ्रेम बना सकते हैं। गाइस मैंने ना ट्रेलर में देखा था कि पहाड़ पे ना बहुत सारे गोट्स थे, तो शायद से पहाड़ में गोट्स हो सकते हैं। ये क्या है, ये क्या है? क्या है भाई, इधर बैरियर है क्या? चलो अभी हम लोग माउंटेन पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे गोट्स है या नहीं है। अरे हाँ गाइस अगर आपने मेरी MLG वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ना एक स्नो पाउडर बकेट भी आया है। ओके यस गाइस वो देखो सामने एक विलेज है, मुझे फूड भी पकाना पड़ेगा। अरे फूड पकाने की जरूरत क्या है, हम लोग विलेजर्स का ब्रेड लूटेंगे ना। ओ वेट व्हाट,
सा हमने मिले। ये देखो मैंने कोई सीड वीड बिल्कुल भी नहीं डाला है, ये सब आपके सामने हुआ था, ठीक है। ओ यार यहाँ पे क्यूट सी कैट है। अरे हाँ हट। गाइस मैं ना अभी विलेज के पास पहुंच चुका हूँ। अब मुझे तो नहीं पता कि मुझे अपना सामान मिलने वाला है या नहीं मिलेगा। The next. ओ यस यस मेरा सामान है, यस यस यस। एक काम करता हूँ मैं फटाफट से टूल्स बना के जाता हूँ। गाइस अभी ना मैंने इस घर को अपना घर बना लिया है। चलो गाइस अभी ना मैं दूसरे विलेज में जा रहा हूँ। ये देखो गाइस एक स्टैक ब्रेड। गाइस मुझे ना उस विलेज से अच्छा ना ये विलेज लग रहा है। मैं अपना घर है ना इसके थोड़ा बाजू बाजू में बना लूंगा। तो अभी ना गाइस मैं दूसरे वाले विलेज में जा रहा हूँ, क्योंकि ना थोड़े टाइम पहले मैंने ना उसमें आयरन पिघलाने रखा था। मुझे लगता है ना मैंने कुछ 20 आयरन पिघलाने रखा था, तो अभी हमें खाली 4 ही आयरन चाहिए, फिर हमारा पूरा आयरन का आर्मर बन जाएगा। गाइस हमने जो पहला वाला आयरन का आर्मर बनाए थे ना वो एकदम वेस्ट हो गया है। छोड़ो गाइस हम लोग दूसरा आयरन का आर्मर बना लेंगे, अभी तो मुझे माइनक्राफ्ट में मरने की आदत हो चुकी है। चलो मैं अपना आयरन ले लेता हूँ। अरे मैंने आयन को तो स्मेल्ट करने रखा ही नहीं था। हमारे पास तो कोल भी नहीं है, मैं मर गया था तो सारा कोल गया मेरा, और वुड भी मेरे पास खाली एक ही है। अभी ना मैं थोड़ा सा वुड भी तोड़ लेता हूँ आयन स्मेल्ट करने के लिए। 12 seconds later. तो चलो अभी ना मैं अपना सामान ले लेता हूँ, क्योंकि ना अभी हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं दूसरे वाले विलेज में। यार ये मैं कब से क्या कर रहा हूँ, मैं पिकैक्स से वुड तोड़ रहा हूँ। एक काम करता हूँ ना मैं एक एक्स बना लेता हूँ, भाई मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ। यहाँ से मैं शुगर केन भी तोड़ लेता हूँ, क्योंकि हमें इसका फ्यूचर में फार्म भी बनाना है। आपको तो पता ही होगा कि शुगर केन फार्म कितना इम्पोर्टेंट है। शुगर केन से हम लोग पेपर बना सकते हैं और पेपर को विलेजर से ट्रेड कर सकते हैं, या तो फिर पेपर से बुक्स बना सकते हैं और उसको इंचेंट कर सकते हैं। चलो गाइस अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना अपना छोटा सा घर बना लूँ। मैं एकदम सिंपल सा घर बनाऊंगा। यार ये घर बनने से पहले इतना डट्टी क्यों लग रहा है? मैं इस घर को तोड़ रहा हूँ, ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पहली बात तो ये घर है भी नहीं। बट गाइस जो मेरा फ्यूचर में हाउस बनाऊंगा ना वो इस जगह पे ही बनाऊंगा। चलो मैं टेम्पररी के लिए इस घर में रह लेता हूँ। इधर मैं ना अपना क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस रख देता हूँ। गाइस हम लोग ना नेक्स्ट एपिसोड में केव्स में जाएंगे, क्योंकि ना केव्स में बहुत सारी नई नई चीजें आई है। गाइस ऐसा समझो कि हम लोग ने ना 1.17 को खाली 10% एक्सप्लोर किया है। अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बाकी है। ऑब्वियसली हम लोग पहले एपिसोड में इतना कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते ना, बट कोई बात नहीं गाइस, फ्यूचर में जो भी सर्वाइवल के एपिसोड आएंगे उसमें हम लोग एक एक करके चीजें एक्सप्लोर करेंगे। चलो अभी फाइनली मैं आयरन को स्मेल्ट करने रख देता हूँ। गाइज आप मुझको कमेंट में बताना कि आपको 1.17 का अपडेट कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइज डाउटनेट ऐप को जरूर से चेकआउट कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।